देश भर में हर हफ्ते शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद हो रहे हंगामे को देखते हुए ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दरियाबादी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि शुक्रवार 17 अप्रैल को किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन कोई नहीं करे। दरियाबादी ने कहा है कि कुछ लोग इस देश में माहौल खराब कर रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इसे लेकर मुंबई में भी कई जगहों पर मामला दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में कोई ऐसी घटना नहीं हो जिसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब हो, इसलिए सभी को ख्याल रखना चाहिए। बेशक हम तमाम मुसलमानों को इस बात से शदीद तकलीफ है और होनी भी चाहिए कि बार बार कुछ लोग हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। इसके लिए कई जगह FIR दर्ज कराई जा चुकी है। मुंबई में भी कई जगह FIR दर्ज हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है, जैसे कि हमारी बात हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके नतायज सामने आएंगे। बेशक हमें इस जमहूरी मुल्क में एहतजाज का हक हासिल है, हम अपने हक को जब चाहेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी क्यादत के उलझे हुए गिरोह की तरह सड़क पर उतर आना उससे कुछ अपना ही नुकसान होता है, जैसा कि अब तक हुआ है। कुछ लोग हमारे सफों में दाखिल हो जाते हैं और अमन और कानून लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला पैदा करते हैं, जिससे तमाम मुसलमानों को बदनाम होना पड़ता है। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि कल जुमा 17 जून को किसी भी तरह का कोई अवामी तौर पर सड़कों पर न उतरें, मस्जिदों में दुआएं करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने आका मौला की तालीमात को आम करें। अगर कोई मुस्बत नतीजा नहीं बरामद होता है तो इज्तमाही तौर पर इंशाल्लाह कोई फैसला किया जाएगा। जुमा को किसी भी तरह का अमन कानून के लिए मसला न पैदा करें, ये मेरी दरख्वास्त है, इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए।